मुंबई में हुए इस हाईजंप लंबे इंतजार के बाद जवान आज रिलीज हो गई है। इसमें 100 से बड़ी संख्या में कलाकार है। जवान ने फिल्म के लिए 6 हाई प्रोफाइल एक्शन निर्देशकों को शामिल किया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें फैंस सिनेमाघरों के बाहर जश्न मनाते दिख रहे हैं। सुपरस्टार ने पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई है। जवान के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस टोटल ने पठान को पीछे छोड़ दिया, जिसकी भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग 32 करोड़ रुपए थी। शाहरुख खान की फिल्म जवान सनी देओल की फिल्म गदर 2 का कमाई के मामले में पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गदर 2 के कई रिकॉर्ड को जवान ने तोड़ डाला। एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान में शाहरुख खान फिल्म में एक फाइटर की भूमिका निभाएंगे और एक जेलर की भूमिका भी निभाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि वो इटली निर्देशक फिल्म में 6 अलग अलग लुक में भी नजर आएंगे। बुधवार की रात को जवान का स्पेशल स्क्रीन रखा गया था। इसमें कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन, सुहाना खान, गौरी खान, शाहरुख खान सहित फिल्म के अन्य टीम मेंबर शामिल हुए। शाहरुख खान अभिनेत्री बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान का निर्देशन इटली ने किया है। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है। 36 साल के इटली ने बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म जवान का निर्देशन करके अपनी शानदार उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। रिपोर्ट्स की मानो तो फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान ने तगड़ी फीस ली है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 100 करोड़ की फीस ली है। इसके अलावा किंग खान को फिल्म के प्रॉफिट का 60% भी मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।